नमस्कार, आप एवीएम नेटवर्क देख रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम बात करें सुशांत सिंह आत्महत्या मामले से। एक बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में पुलिस ने अब तक कई लोगों को पूछताछ करके जो है अपना केस आगे बढ़ा रही है और अपना इन्वेस्टिगेशन अभी जारी रखा है, लेकिन अब इसमें एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जब से सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या हुआ है, जब से उन्होंने अपने आप को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, तब से कंगना रनौत बहुत ही ज़्यादा चर्चे में रही है। उन्होंने कई सारे बॉलीवुड के एक्टर, डायरेक्टर और कई सारे प्रोड्यूसर पर जो है आरोप लगाए हैं इंटरव्यूज में या फिर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो बनाकर, जिसमें कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, कई सारे बड़े बॉलीवुड के नामचीन हस्तियों को उन्होंने अपने वीडियो में ज़ोरदार प्रहार किया। और ये बात पहली बार नहीं की है, क्योंकि कंगना रनौत अपने बात खुल कर रखने के लिए पहले से ही जानी जाती है। और कहीं ना कहीं जब से सुशांत सिंह राजपूत का आत्महत्या मामला हुआ है, तब से कंगना रनौत लगातार बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स जो कि नामचीन हस्तियाँ हैं उन पर प्रहार करती आ रही है। और उनका कहना है कि ये लोग सिर्फ अपने जो है लोगों को मौका देती है, जो टैलेंटेड होते हैं, जो छोटे से शहर से आए होते हैं, उनको मौका नहीं देते हैं और कहीं ना कहीं ये लोग नेपोटिज्म करते हैं। इस पर नेपोटिज्म का विवाद जब से शुरू हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद, तब से कंगना रनौत इस डिबेट की एक अहम हिस्सा रही है। और कहीं ना कहीं पूरा डिबेट कंगना रनौत के आसपास ही घूमती है। हर दिन या तो इंटरव्यू के माध्यम से या फिर खुद का एक वीडियो बनाकर या फिर ट्वीट करके कंगना रनौत लगातार नेपोटिज्म के खिलाफ अपना आवाज़ उठा रही है। और इसी कड़ी में आप सभी को बता दूं कि मुंबई पुलिस ने कंगना रनौत को अपना बयान दर्ज कराने के लिए एक समन भेजा था, लेकिन कंगना रनौत ने उस समन को नहीं लिया। आप लोगों को बता दूं कि जब कंगना रनौत के घर पुलिस पहुंची समन लेकर उनका बयान दर्ज कराने के लिए, कंगना रनौत का बयान दर्ज कराने के लिए सुशांत सिंह राजपूत के मामले में, तब वो घर पर नहीं थी। उनके घर पर सिर्फ उनका एक स्टाफ मेंबर था जो कि वो समन को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं ये समन नहीं ले सकता है। साथ ही साथ जब पुलिस ने उनसे पूछा कि कंगना रनौत कहाँ है, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है। इतना ही नहीं, उनको कहा गया कि हमसे बात कराइए, उनका कॉन्टैक्ट कराइए हमसे, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं करा सकते हैं, वो अभी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं उनके जो स्टाफ थे उन्होंने साफ साफ मना कर दिया समन लेने से, और ना ही तो उनसे कॉन्टैक्ट भी करवाया पुलिस को। तो अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जो कंगना रनौत हर वीडियो में लगातार सुशांत सिंह के मौत पर बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं और बॉलीवुड माफिया के खिलाफ बोल रही है, वो आखिर पुलिस से बयान देने से क्यों बच रही है, आखिर वो पुलिस को बयान क्यों नहीं दे रही है। आप सभी को बता दूं कि पुलिस के सूत्रों के हवाले से ही बिल्कुल साफ कहना है कि अभी तक कंगना रनौत कहाँ है वो ट्रेस नहीं हो पा रही है और पुलिस उनसे संपर्क नहीं कर पा रही है, जिसके कारण से उनका बयान दर्ज नहीं हो पा रहा है। और पुलिस अब दूसरी समन जारी करने का जो है तैयारी कर रही है। खबर यह भी आई थी कि कंगना रनौत हिमाचल में है अपने घर पर, लेकिन जो उनके स्टाफ पुलिस के सामने बातचीत की, उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता है कंगना रनौत कहाँ है। तो पुलिस अब हिमाचल पर भी नज़र बनाए हुए हैं कि क्या कंगना रनौत हिमाचल के अपने घर पर है, लेकिन अभी तक पुलिस का उनका पता नहीं चल पाया है। तो अब देखते हैं कि कंगना रनौत का बयान कब दर्ज होता है और पुलिस के संपर्क में कंगना रनौत कब आती है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो कंगना रनौत लगातार नेपोटिज्म के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और सुशांत सिंह राजपूत के मामले में एक से एक खुलासे कर रहे हैं और कई सारे बॉलीवुड के बड़े बड़े नामचीन हस्तियाँ और यहाँ तक कि कुछ मीडिया तक को भी कंगना रनौत ने लतार लगाई है, वो कंगना रनौत आखिर पुलिस को बयान देने से क्यों बच रही है, क्या कानूनी तैयारी पूरा करना चाहती है कंगना रनौत पुलिस का बयान देने से, या फिर वो कानूनी सलाह लेना चाहती है बयान देने से पहले ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो, तो इस पर फिलहाल कुछ नहीं कह सकते। लेकिन मुंबई पुलिस जो कि सुशांत सिंह राजपूत के केस के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके संपर्क में नहीं आई है अभी तक कंगना रनौत। तो इस पर जैसे ही कुछ आगे की अपडेट आएगी हम आप लोगों को सबसे पहले बताएंगे। आप लोग बने रहे एवीएम नेटवर्क पर। और कुछ ही दिन पहले हमने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले पर कंगना रनौत पर एक और बड़ा खुलासा किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। लेकिन कंगना रनौत पुलिस को कम मिलती है, अपने बयान में क्या कहती है ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। तब तक बने रहे चैनल पर। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए अपडेट के साथ। बने रहे एवीएम नेटवर्क पर। धन्यवाद।